जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है सभी साधक साधिका। जय श्री गणेश, जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए श्री गणेश का एक संकट नाशन गणेश स्तोत्र लेके आए। गणेश का ये स्तोत्र अद्भुत है, अपने आप में बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। यहाँ तक बताते जो भी इसे लंबे समय तक पढ़ता है उनके जीवन में इसका चमत्कार जरूर मिलता है। हर प्रकार के संकटों का नाश करने वाला माना जाता है इस स्तोत्रों को। विद्यार्थी लौते विद्याम, धनार्थी लौते धनम, मोक्षार्थी लौते गति, पुत्रार्थी लौते पुत्राम। इस स्तोत्र में बताया गया है तो विद्या की प्राप्ति करना चाहता उसे विद्या मिलती है, जो धन की प्राप्ति करना चाहता उसे धन मिलता है, जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता उसे मोक्ष मिलता है, जो पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। अद्भुत है अपने आप में स्तोत्र। आज इसी स्तोत्र की संपूर्ण जानकारी पूर्ण विधि विधान बताया जाएगा, किस तरह पढ़ना है, किस तरह इस स्तोत्र को पढ़ा जाता है कि आपको इसका पूर्ण फल मिले, किस प्रकार से श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करके आपकी समस्त प्रकार की इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो, इसी स्तोत्र से इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। अगर दर्शकों आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर आप नए हो, तो ऐसी रहस्यमय जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो संकट नाशन स्तोत्र है तीनों संध्याओं में पढ़ता है, सुबह, दोपहर और शाम को। उसे किसी भी प्रकार के संकटों का सामना कदापि नहीं करना पड़ता। सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला स्तोत्र माना जाता है। आप जिसकी कामना करते हो उसकी कामना करते हुए इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है उनकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है। बहुत ही छोटा स्तोत्र है लेकिन चमत्कार बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़े बड़े हैं इस स्तोत्र के। इस स्तोत्र के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जो भी साधक साधिका, जो भी बालक बालिका इस स्तोत्र का पाठ करता है, जो भी कामना से करता है उनकी कामना अवश्य ही पूर्ण होती है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन इस स्तोत्र को इन लोगों ने जरूर पढ़ना चाहिए, जो व्यापार करते हैं उनके बिजनेस में घाटा होता हो तो ऐसे लोगों को भी जरूर पढ़ना चाहिए। जो पढ़ने लिखने वाले बालक बालिका है या पढ़ाने वाले शिक्षक है, जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करता है, जो नौकरी करता है, प्रमोशन चाहता है, कोई इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो ऐसे लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। जो भी पुत्र प्राप्ति की कामना करता है, संतान की कामना करता है, ऐसे लोगों को भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो मोक्ष की कामना करता है ऐसे व्यक्ति को भी पाठ करना चाहिए। जिन लोगों को विवाह से संबंधित जो भी प्रॉब्लमें आती है, रिश्ता ना हो पाना या रिश्ता टूट जाना, ऐसे लोगों को भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जिनके कार्यों में विघ्न बाधा का सामना करना पड़ता है, उनका किसी न किसी कारणवश कोई भी कार्य प्रारंभ करते वो पूर्ण नहीं हो पाता, वो रुक जाता है, ऐसे व्यक्ति को भी जरूर करना चाहिए। जो भी लोग सफलता की कामना करते हैं, हर एक क्षेत्र में सफलता की कामना करने वाले व्यक्ति को भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ हर कोई कर सकता है, साधक साधिका, बालक बालिका, किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है जो इसे शुद्धता से पढ़ सके, यानी कि जो शुद्ध उच्चारण कर सके। कोई इच्छा हो, मनोकामना हो, जिस चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हो उनकी प्रार्थना करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति को सफलता जरूर मिलती है। जान लेते इसका संपूर्ण विधान। जो भी कामना हो आपकी, जिस भी कामना से इस स्तोत्र का कोई भी साधक साधिका या कोई भी व्यक्ति पाठ करता है, गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, गुलाब की धूपबत्ती जलाना चाहिए, श्री गणेश की पंच उपचार पूजन के बाद इस पाठ को प्रारंभ करना चाहिए पढ़ना। इस स्तोत्र का पाठ कितने दिनों तक किया जाता है ये जान लीजिए पहले। 3.25 महीने तक भी कर सकते हो, प्रतिदिन 11 पाठ या 5 पाठ भी कर सकते हो, 6 माह तक भी कर सकते हो, यानी 6 महीने तक भी कर सकते हो, 1 वर्ष तक भी कर सकते हो प्रतिदिन। आप चाहो तो तीनों संध्याओं में भी पढ़ सकते हो, सुबह, दोपहर और शाम को। इस बात का याद रखना है, जब भी इस स्तोत्र का पाठ करोगे स्नान आदि करने के बाद ही करना है, चाहो आप कभी भी करते हो या कोई एक टाइम करते हो या तीनों संध्याओं में करते हो या 2 टाइम करते हो,
स्नान आदि करने के बाद ही इस पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। लाल ऊनी आसन पर बैठ के या कुसा के आसन पर बैठ के इस पाठ को करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो भी व्यक्ति लाल कपड़े धारण करके यानी कि लाल वस्त्र पहन के लाल ऊनी आसन पर या कुसा के आसन पर बैठ के पाठ करता है उन लोगों को बहुत ही जल्दी फल की प्राप्ति होती है। लाल वस्त्र नहीं है आपके पास तो कोई भी वस्त्र पहन के कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि लाल ऊनी आसन पर ही बैठ के करें या कुसा के आसन पर बैठ के ही करना चाहिए। जैसा हमने बताया कि इस पाठ को आप इतने दिनों तक कर सकते हो, 3.25 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष तक प्रतिदिन भी कर सकते हो। जब तक भी आप लोग करना चाहो उतने दिनों तक कर सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो प्रतिदिन आप 1 पाठ कर सकते हो, 3 पाठ कर सकते हो। आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती तब तक पढ़ सकते हो। दैनिक पूजन में प्रतिदिन 1 पाठ पढ़ सकते हो। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई साधक साधिका, कोई भी व्यक्ति, तो आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे संकल्प लेके पढ़ोगे 3.25 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष तक, किसी एक संध्या में पढ़ सकते हो या तीनों संध्या में पढ़ सकते हो या किसी एक टाइम, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग सुबह पढ़ते तो सुबह ही पढ़ना है, अगर दोपहर को पढ़ते तो दोपहर को ही पढ़ना है, शाम को पढ़ते हो तो शाम को ही पढ़ना है। जो संकल्प लेके पढ़ेगा उसके बारे में बता रहे, जो भी संकल्प लेके पढ़ेगा उन्हें मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा, शुद्ध भोजन ही करना पड़ेगा। जो भी महिलाएं या बालिका इस स्तोत्र को संकल्प लेके पढ़ना चाहती है, जब भी आपका मासिक धर्म आता है आप लोगों को 6 दिन छोड़ देना है, फिर 7वें दिन से पुनः प्रारंभ कर सकते हो। इस तरह आप लोग पढ़ सकते हो। संकल्प लेके पढ़ा जाएगा इस स्तोत्र को, तो आपका नाम गोत्र बोलते हुए संकल्प लेना है। जैसे गणेश भगवान का प्रतिदिन पूजन किया जाएगा, उन्हें भोग लगा सकते हो, लड्डू का या मोदक बना के लगा सकते हो। लाल पुष्प मिलते तो आपको समर्पित करना है, अगर दुर्वा भी मिलती तो वो भी समर्पित करना है। या दैनिक पूजन में पढ़ते हो तो आपको कोई भी नियमों का पालन करना जरूरी नहीं होता है। 1 पाठ, 5 पाठ, 11 पाठ या किसी विशेष दिन पढ़ते हो, किसी भी बुधवार के दिन पढ़ते हो, जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है, उस दिन भी विशेष तरीके से आप इस पाठ को पढ़ सकते हो, बुधवार को पढ़ सकते हो, या प्रतिदिन 1 ही पाठ कर सकते हो। संकल्प लेके करते हो तो प्रतिदिन करना है, या वैसे पढ़ते हो तो आप कभी भी पढ़ सकते हो या किसी विशेष दिन पे पढ़ सकते हो। जो भी अपनी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करना चाहता है वह व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए संकल्प लेके भी पढ़ सकता है या बिना संकल्प लेके भी पढ़ सकता है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या तो मार्केट में से एक स्तोत्र की पुस्तक आती है आप उसे भी ला सकते हो। संकट नाशन श्री गणेश स्तोत्र का पाठ आप प्रारंभ कर सकते हो, शुभ समय से प्रारंभ कीजिए, या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि से, या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से, या शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारंभ करोगे अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। 1 वर्ष में 1 बार गणेश उत्सव मनाया जाता है, गणेश की स्थापना करके उनका पूजन पाठ किया जाता है, तब से भी प्रारंभ कर सकते हो, विशेष दिनों में लगातार पढ़ सकते हो। हम आपको एक प्रैक्टिकली और प्रभावशाली प्रयोग बताते हैं इसका। जो भी कामना है उसके लिए करोगे आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। एक प्रैक्टिकली अनुभव बता रहे, लाल चंदन की माला से गणेश मंत्र की 1 माला निकालना चाहिए। श्री गणेश का पंचोपचार पूजन करने के बाद 1 माला निकाली जाएगी। फिर संकट नाशन गणेश स्तोत्र को 11 बार पढ़ना चाहिए। फिर 1 बार और गणेश मंत्र की माला निकाली जाएगी। मंत्र होगा ओम गंग गणपते नमः। गणेश भगवान का पूजन करना है, पंचोपचार भोग लगाने के बाद 1 माला निकालना है, फिर स्तोत्र पढ़ना है, फिर 1 माला निकालना है। उसके बाद दुर्वा घास जो दुब घास रहती, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए वैसे 21 दुर्वा घास आपको गणेश मूर्ति पे समर्पित करना है, गणेश मूर्ति के ऊपर समर्पित करना है, यानी कि उनके सर के ऊपर। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है 3.25 महीने, वो जिस भी कामना से करेगा उसकी ये कामना पूर्ण होती है। चाहे आप सवेरे करते हो या दोपहर में करते हो या शाम को करते हो, 3 टाइम करते हो या 2 टाइम करते हो, स्नान आदि करने के बाद ही करना है। और लाल पुष्पों की माला या लाल पुष्प जब भी आपको प्राप्त होते साधना के दिनों के दौरान आपको समर्पित करना चाहिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकली और अनुभव सिद्ध प्रयोग बताया हमने आप लोगों को।
गुरु शिष्य परंपरा से इस स्तोत्र का प्रैक्टिकली और अनुभव सिद्ध प्रयोग भी हमने सुने भी है और देखे भी है। लंबे समय तक कीजिए, आपको इसका प्रभाव आपके जीवन में जरूर दिखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप दैनिक पूजन करते हो, दैनिक नियम का पालन करते हुए पढ़ते हो, श्री गणेश की कृपा पाने के लिए पढ़ते हो, तो आपको किसी नियमों का पालन नहीं करना है। जैसे कोई भी आसन पर बैठ के कर सकते हो, कोई भी दीपक जला के कर सकते हो श्री गणेश के सामने, या तो उत्तर दिशा की इधर पढ़ सकते हो मुँह करके, पूर्व दिशा की इधर मुँह करके पढ़ सकते हो। आपके घर में पढ़ते हो तो गणेश प्रतिमा के सामने पढ़ना है, गणेश की फोटो या तस्वीर जो भी होगी या प्रतिमा उसके सामने, या किसी मंदिर में जाके भी प्रतिदिन पढ़ सकते हो। इसी तरह आपको इस विधि विधान का पालन करते हुए किसी प्रकार की भी इच्छा मनोकामना हो अवश्य ही इस पाठ से पूर्ण होती है। इस स्तोत्र का पाठ भक्ति भाव से किया जाता है, यानी कि पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप जिस कार्यों के लिए करते हो वो कार्य जरूर पूर्ण होगा, वो इच्छा मनोकामना जरूर पूर्ण होंगी। आपके अंदर ये भाव घटित होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जैसा कि हम आपको फिर बता देते हैं कि आपको जब तक करना है तब तक कर सकते हो, बिना संकल्प लेके भी कर सकते हो, संकल्प लेके भी कर सकते हो, 3.25 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष तक, कितने दिनों तक भी पढ़ सकते हो दैनिक पूजन में। अगर संकल्प लेके आप पढ़ते हो तो जितने दिनों का संकल्प लिया उतने दिनों तक प्रतिदिन आपको पढ़ना है। श्री गणेश आपकी इच्छा मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे, जो भी इच्छा मनोकामना से पढ़ते हो तो। समस्त प्रकार की इच्छा मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करने से। संकट नाशन श्री गणेश स्तोत्र से संबंधित जो भी जानकारी थी आपको पूर्ण बता दी। आपको ये जानकारी, ये विषय पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री गणेश, जय भवानी।